जयपुर में एक फौजी दादा की दरिंदगी की दास्तां सामने आई है। 68 साल के हैं ये रिटायर्ड फौजी साहब। इन पर अपनी ही पोती के साथ 4 साल तक यौन शोषण का आरोप है। रिटायर्ड फौजी पहले तो पढ़ाई के बहाने पोती को गांव से जयपुर लाया और उसके बाद अपनी ही पोती के साथ दुराचारों से भरा शर्मनाक सुलूक किया। उसकी हकीकत सामने आने के बाद अब जहां समाज फौजी पर थू थू कर रहा है, वहीं पुलिस मामले की सच्चाई खंगालने में जुट गई है। जयपुर के इस रिटायर्ड फौजी को जरा गौर से देखिए। इल्जाम 16 साल की पोती से दुराचार करने का है। इस फौजी पर आरोप जितने संगीन हैं, उतने ही घिनौने भी। बावजूद इसके न मूछों का ताव कम हुआ है और न ही फौजी होने की अकड़। इल्जाम है कि लीला राम नाम का ये फौजी अपनी पोती के साथ 4 सालों से दुराचार कर रहा था और जब पोती के सब्र का बांध टूटा और घिनौनी सच्चाई सामने आई तो हर कोई इस फौजी की घिनौनी हरकत सुनकर हैरान रह गया। इसने जो दृष्टता की है और जो दुष्टता की है इसके ग्रैंडफादर ने, तो ये तो बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही शोचनीय विषय है कि पढ़ाने के अपने खुद के ही पोते पोतियों के साथ अगर इस तरीके का इसने दुष्कर्म किया है, जैसा कि पीड़िता ने आक्षेप लगाए, तो फिर तो ये बहुत ही घिनौना कृत्य इसने किया। जिस फौजी ने कई साल तक सरहद पर देश की हिफाजत के लिए अपनी सेवाएं दी, जिस फौजी पर परिवार के लोगों को गर्व था, उस फौजी का घिनौना सच जब सामने आया तो पूरा का पूरा समाज अब इस फौजी पर थू थू कर रहा है। इस फौजी पर यौन शोषण के आरोप खुद इसकी 16 साल की पोती ने लगाए हैं। जयपुर की झूठवाड़ा कॉलोनी में रहने वाला ये फौजी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने पोते पोतियों को गांव से जयपुर लाया था, लेकिन बच्चों के माता पिता को क्या पता था कि इस फौजी के मन में अपनी ही पोती के लिए दुराचारी भावनाएं पनप रही थी। और आखिरकार 68 साल के इस कलयुगी दादा की घिनौनी हरकतों से तंग आकर इसकी पोती 2 महीने पहले अपने दोस्त के साथ भाग गई थी। परिजनों ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 जून को जब पुलिस ने लड़की और उसके दोस्त को पकड़ा और लड़की से पूछताछ की गई तो दादा की घिनौनी सच्चाई सामने आ गई। पोती की शिकायत पर इस दादा को बिना वक्त गवाए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भी ये मनोज कुमार कुंभावत को और जो भगवैया है उसके ग्रैंड फादर लीलाराम एक्स फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपने आरोपों में पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि उसका दादा दुष्कर्म से पहले किसी गोली का भी सेवन करता था। पोती जब भी दादा का विरोध करती थी, ये फौजी दादा पोती को जान से मारने की धमकी देकर हर बार उसकी जुबान बंद कर देता था। इल्जाम तो यहाँ तक है कि मारे जाने के डर से अत्याचार सह रही पोती एक बार गर्भवती भी हुई तो दादा ने उसका गर्भपात करवा दिया। अब पोती के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल में जुटी है जयपुर पुलिस। धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज 24।